वात पित्त कफ, इससे 99% लोग पीड़ित हैं। किसी को वात, किसी को कफ, किसी को पित्त, किसी को वात और पित्त दोनों, किसी को वात और कफ दोनों, किसी को कफ और पित्त, किसी को अलग अलग, 2, 3, 1, 7, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3 दोष प्रकोपित हो जाते हैं। अब वात दोष के लिए एलोवेरा और मोरिंगा, पित्त दोष के लिए एलोवेरा और लौकी, कफ दोष के लिए दूध में हल्दी, सिलाजी, च्यवनप्राश। रेडीमेड में कफ के लिए ब्रोनकोम और स्वासारी। ब्रोनकोम खाली पेट, स्वासारी वटिया, स्वासारी गोल्ड, स्वासारी क्वात खाने के बाद लें। एसिडिटी के लिए एसिडोग्रिट, लिवोग्रिट, और अर्थराइटिस के लिए पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट ले लो। ये कफ रोग फेफड़े की कमजोरी से होते हैं, पित्त रोग पित्ताशय आमाशय की कमजोरी से होते हैं, और वात रोग प्राण शक्ति की कमजोरी से होते हैं। मंडूकासन अब 5-10 मिनट लगातार करना है। जिनको डायबिटीज है, जिनके लीवर किडनी गड़बड़ है, पाचन तंत्र में षड्यंत्र हो रखा है। अब देखो, ये वात पित्त कफ त्रिदोषों से ही फिर बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की बीमारी, ये सब। वात दोष बढ़ने से दर्द होंगे, वात दोष बढ़ने से शरीर के अंग अंदर से कमजोर पड़ेंगे, वात दोष बढ़ने से असली एमएस ऑटोमेन डिजीज होंगी, वात दोष बढ़ने से ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर होंगे, और अलग अलग प्रकार के सिंड्रोम, आजकल 1-2-3 शब्द बड़े प्रयोग किया जाते हैं, इसको ये सिंड्रोम हो गया, इसको ये ऑटोमेन डिजीज हो गई, और इसकी बीमारी का तो पता ही नहीं लग रहा, ये तो एक अननोन कोई डिसऑर्डर है। ये सारे वात रोगों का उपद्रव है। मंडूकासन, शशकासन थोड़ा लंबा, फिर पित्त, पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है, पित्त बढ़ने से सारी स्किन डिजीज होती है, पित्त बढ़ने से इनफर्टिलिटी भी होती है, पित्त बढ़ने से बाल भी उड़ते हैं, पित्त बढ़ने से नींद भी उड़ती है, पित्त बढ़ने से एसिडिटी, अल्सर आदि तो होता ही है, बवासीर आदि तो होती है। मंडूकासन, योग मुद्रा आसन करो, पित्त बढ़ने से गुस्सा भी बहुत आता है, कुछ तो ऐसे तमतमाते रहते हैं, या तो पीटते हैं या पिटते हैं, बहुत बावले बावले हरकतें करते रहते हैं। ये अंदर से सब वात पित्त कफ ठीक रहे तो आदमी सही दिशा में चलेगा। ये जो उल्टा पुल्टा आदमी काम करता है ना, अब कफ बढ़ने से प्रमाद बढ़ता है, मेहनत ही नहीं करता, पड़ा मस्टंडा कहीं का मगरमच्छ की तरह।